सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि मैंने गुलढर से लेकर और दुहाई आरआरटीएस के स्टेशन को दिखाया था, दोस्तों आज मैं ईस्टर्न पेरिफेरल से लेकर और दुहाई आरआरटीएस का स्टेशन दिखाने वाला हूँ, गुलढर आरआरटीएस का स्टेशन दिखाने वाला हूँ और गाज़ियाबाद आरआरटीएस के स्टेशन दिखाने वाला हूँ कि इन तीनों स्टेशनों पे क्या क्या वर्क कंप्लीट होने के लिए बचा है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में। दोस्तों तो देख सकते हो डीबीएम लेयर की ये लेयर की लेयर डाल दी जा चुकी है। देख सकते हो आप लोग ब्लैक ब्लैक सा ये ब्लैक टॉप कर दिया है, तो एक साइड का हो चुका है, दूसरी साइड का डाला जा रहा है क्योंकि अब ये जल्द ही आपको जुलाई में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। दोस्तों इससे 17 किलोमीटर का रूट है प्रायोरिटी सेक्शन दोस्तों आरआरटीएस दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का, दोस्तों जो कि पहली बार चलाई जानी है आम जनता के लिए। 17 किलोमीटर का पार्ट खोल दिया जाएगा और उसमें पता चल जाएगा दोस्तों के और पार्ट को खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, क्या दिक्कत क्या परेशानी है। तो देख सकते हो एक तो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए बचा हुआ है जिस पर वर्क चल रहा है अभी तेजी के साथ में। इस पर अभी स्टेयर लगाए जा रहे हैं और इसका एक्सीलेटर भी लगाया जा रहा है दोस्तों, और ऊपर का रूफ टॉप का जो पिलर हैं उनको लगाया जा रहा है दोस्तों। और बाकी इस स्टेशन पर दुहाई के स्टेशन पर दोस्तों आपको बता दूं कि इस पर पेंट भी किया जा रहा है। तो देख सकते हो चौथा एंट्री एग्जिट पॉइंट ये रहा जिस पर रूफ टॉप का तो काम कर लिया जा चुका है दोस्तों, अब इस पर स्टेयर के ऊपर पत्थर लगाया जा रहा है और इस एक्सीलेटर को तो लगा दिया है इन्होंने, तो यही वर्क चल रहा है। बाकी तो इसमें फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, बाकी सारा काम हो चुका है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि अभी गुलढर के स्टेशन पर भी बहुत सारा काम चल रहा है और गाज़ियाबाद के स्टेशन पर तो चल ही रहा है दोस्तों। तो चलते हैं, ना देर करते हुए दिखाते हैं आप लोगों को। और आपको जैसा कि पता है दोस्तों 30,274 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों। 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों जो कि दिल्ली के सराय काले खान निजामुद्दीन से स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह है दोस्तों मोदीपुरम, वहाँ पर जाके इसका डी एंड हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ ही आपको बता दूँ कि आरआरटीएस भी दौड़ेगी मेरठ के अंदर और उसी रूट पे दोस्तों मेरठ मेट्रो भी दौड़ा करेगी, तो है ना खुशखबरी वाली बात दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो और आगे वाले जो आने वाले वीडियोस हैं दोस्तों उसमें आप लोगों को मेरठ का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर लेना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं, दिखाते चल के आप लोगों को गुलढर आरआरटीएस के स्टेशन के उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं, दिखाते हैं चल के आप सभी को। ये स्टेशन है दोस्तों गुलढर आरआरटीएस का स्टेशन दोस्तों, देख सकते हो आप लोग कि ये सबसे पहले बनकर कंप्लीट हो गया था और इसका तीसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, यानी कि दूसरा है दोस्तों। देख सकते हो वो अभी स्टेयर इस पर लगाए जाएंगे, स्टेयर बनाए जा रहे हैं और इस पर एक्सीलेटर भी लगाया जा रहा है दोस्तों, और इस पर रूफ टॉप का काम भी किया जाना है, इस पर पत्थर लगाने का काम भी चल रहा है। तो अभी बहुत सारा काम है इसमें एंट्री और एग्जिट, एक साइड का तो बन चुका है, दूसरी साइड का ये बनाया जा रहा है दोस्तों। अब चलते हुए चलते हैं आगे, आगे दिखाते हैं चल के गाज़ियाबाद के स्टेशन पर क्या क्या वर्क कंप्लीट हो गया, क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो उसमें बहुत सारा काम किया जा रहा है इस टाइम पे दोस्तों, तो वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो, बस ऐसे ही वीडियो देखते रहो। और यहाँ से कल मैंने जो वीडियो आप लोगों को दिखाया था दोस्तों वो ये है राजनगर
एक्सटेंशन। तो यहाँ पर दोनों साइड में फ्लाईओवर है और बीच में ये आरआरटीएस गुजरेगी दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें।
ये आ चुका हूँ गाज़ियाबाद RRTS के स्टेशन पर। तस्वीर आप लोग देख सकते हो जिस पे अभी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने हैं साइडों में, क्योंकि बीच वाली लाइन पर तो लग चुके हैं, अभी साइडों वाले बचे हुए हैं जहाँ पर ये RRTS खड़ी होगी, यानी कि रैपिड रेल खड़ी होगी दोस्तों। और देख सकते हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का जो वर्क है वो किया जा रहा दोस्तों, तस्वीरें वो देख सकते हो। और अभी इसके बीच के डिवाइडर भी अभी इसमें मिट्टी पड़ेगी बनाए जाएंगे, तो यही वर्क चल रहा है। और इसमें ग्लासेस लगाए जा रहे हैं गाज़ियाबाद के RRTS के स्टेशन पर, देख सकते हो वो सेकंड फ्लोर के लिए सेटिंग लगी हुई है, फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है और उधर शीशे लगाने का काम चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो वो ग्लासेस लगाए जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल के लिए, फोर्थ लेवल पर तो काम कम्प्लीट हो गया क्योंकि वहाँ डिज़ाइन बना दिया जा चुका है दोस्तों। उससे ऊपर तो डिज़ाइन बन गया, नीचे शीशे का काम किया जा रहा है लगाने का दोस्तों। तो अभी तो बहुत सारा काम है लेकिन इस महीने के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा काम दोस्तों। और ये आ जाता है शहीद इत्तल मेट्रो स्टेशन रेड लाइन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो।